आइए आपको इस वक्त लखनऊ लिए चलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन सुनवाते हैं। न जाने कितने लोगों ने इन धर्मस्थानों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाई, न जाने कितने लोग यहां दर्शन करने आना चाहते थे आ नहीं पाते थे। आज बेरोक टोक चाहे बाबा विश्वनाथ का धाम हो, चाहे माँ विंध्यवासिनी का धाम हो, चाहे बनने वाला श्री राम जन्मभूमि का मंदिर हो, हर जगह पे और ये दिन भी दूर नहीं है। मोदी जी ने भूमि पूजन कर दिया है, देखते देखते हम सबके जीवन में कुछ ही महीनों के बाद हम देखेंगे वहां एक गगन चुंबी प्रभु श्री राम का उत्तुंग मंदिर को साकार। एक नया अध्याय आजाद भारत के इतिहास में देश के प्रधानमंत्री जी लिखने जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की नीति है कि हम तुष्टीकरण में नहीं मानते हैं, सबके साथ न्याय करना चाहते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं। और करोड़ों लोगों की इच्छा की पूर्ति अभी हमने दूरदर्शन पर देखी है। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आप तो यूपी में ही रहते हैं, जितना हो सके उतना जल्दी काशी धाम जाकर बाबा को गंगा जल का अभिषेक कराइए, आपका भी आत्मा को शांति। मित्रों, आज यहां पर जब मैं आया हूं तब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुख्यमंत्री बने। उसके बाद हर क्षेत्र से भ्रष्टाचार की सफाई करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। हर व्यवस्था चरमरा गई, चाहे पंचायत ऑफिस हो, चाहे पटवारी हो, वहां से लेकर पंचम तल तक हर जगह भ्रष्टाचार और परिवारवाद का बोलबाला था। योगी जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार को तिलांजलि देने का, उसको मुक्ति देने का कार्यक्रम हासिल कर। और मुझे आज आनंद है कि सहकारिता विभाग भी, जो सपा बसपा के शासन में कोई एक परिवार कोई एक जाति का राजा रजवाड़ा बनकर बैठा था, गरीबों का जहां उद्धार होता है, गरीबों की आवाज सुनी जाती है, गरीबों तक योजना पहुंचाई जाती है, इसका माध्यम में सहकारिता विभाग भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बना था। और सिर्फ 4-4.5 साल के शासन के अंदर आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र सहकारिता के हर क्षेत्र, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे स्वसहाय जूथों का हो, चाहे पैक्स हो, उनके ऑडिट नहीं होते थे, अब ऑडिट हो रहे हैं, एबीसी ग्रेडेशन हो रहा है, चुनाव समय पर हो रहे हैं, पारदर्शिता आई है, बैंकों की साख बढ़ी है। और जो प्रधानमंत्री जी ने किसान की आय 2 गुना करने का लक्ष्य रखा था, उसमें आज उत्तर प्रदेश का सहकारिता विभाग बड़ी तन्मयता के साथ लगा है। मुझे इसका बहुत आनंद है कि बहन जी और बबुआ दोनों के राज में जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना था, आज वो सेवा का माध्यम बनकर उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता का सेवा है। आज यहाँ पर ही राज्य भंडारण निगम ने 28 नए गोडाउन बनाए हैं, लगभग 1.5 लाख मैट्रिक टन चाहे गेहूं चाहे धान हो, उसके भंडारण की व्यवस्था होगी, वैज्ञानिक तरीके से भंडारण करने वाले हैं। मुकुट बिहारी जी ने बड़ा डिटेलिंग कराया, उसके नीचे नीलगिरी की बल्लियां भी लगाने का उन्होंने फैसला किया है, जिसे पानी न छू जाए। और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत, मिर्जापुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, जेपी नगर, बिजनौर, रामपुर, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, बदायूं, बरेली, महाराजगंज, भदोही, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी और फतेहपुर,
सब जगह पे ये भंडार बनाए जाएंगे, जिससे ये किसानों के साथ से खरीदे हुए गेहूं और चावल को रखने की व्यवस्था हो। इसके साथ साथ अगर अभी कोई किसान की उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है तो इसको किसान भी अपनी ओर से इसमें रख पाएगा। और मैं मानता हूं कि जिस पारदर्शिता से ये कार्यक्रम चला, सिर्फ 16-17 में इसका शुद्ध लाभ 45 करोड़ था, वो 20-21 में बढ़कर 118 करोड़ तक पहुंचने का लक्ष्य सिद्ध किया। प्रदेश की स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मुख्यालय पर डेटा की सुरक्षा हेतु एक साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन की शुरुआत भी आज हुई है। प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की 13 नई शाखाएं फतेहपुर, कानपुर, औरैया, कन्नौज, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, ज्योतिबा फुले नगर, संभल, अमेठी, अंबेडकर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज, आज इसका भी उद्घाटन हुआ है। और 2 करोड़ से की लागत से एक भव्य मुख्यालय का भी आज लोकार्पण होने का काम हुआ है।